बीते कुछ सालों तो विनीपेग के न्यू एरियाज की लैंड डिवेलपमेंट काफ़ी तेजी नाल हो रही है ते इन्हां नवे एरियाज के प्रॉपर्टी टैक्स भी सिटी वालों काफ़ी वसूले जाते हैं। पर जब इन्हां एरियाज बेसिक सहूलतों की गल करिए जिवें कि बस सर्विसिज, लाइब्रेरीज ते प्रॉपर पार्क वगैरह प्रोवाइड करवाण च सिटी वालों कोताही वरती जाती है। इंज दियां ही कुछ समस्यावां नाल एम्बर गेट के निवासी भी सफ़र कर रहे हैं। इस सिलसिले च बीते एतवार 14 अगस्त नूं 5 बजे तो लैके 6 बजे तक एम्बर गेट के निवासियों ने टैंपलटन ते मैकफिलिप स्ट्रीट के इंटरसैक्शन से अपने एरिया दीआं समस्याओं लई रोस प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान एम्बर गेट अते एम्बर ट्रेल के लोग काफ़ी गिनती विच इकट्ठे हुए। छोटे छोटे बच्चे बजुर्ग भी बैनर पढ़ के इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। नवसवे टीवी नाल गलबात करते हुए करमजीत सिंह ढिल्लों ने दस्सिया कि सत श्रीकाल जी, नवसवे टीवी देखने वाले सत श्रीकाल साढ़े सारे वालों। अज असी साढ़े कुछ एम्बर गेट कम्युनिटी के मुद्दे हैं जिन्हों के संबंध में असं इतने अज इकट्ठे एकत्र होए हाँ। 5 साल पहलों के असं इतने रहन लग गए हाँ। 5 सालों तो जेडे असी प्रॉपर्टी टैक्स तो पे कर रहे हैं पर सानू कोई भी इतने फैसिलिटी जी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सानू नहीं मिल रही। सानू एक रेगूलर बस सर्विस चाहिए है जी अज तक सानू नहीं मिली हैगी। अज 5 साल होने के बावजूद भी साढ़े जोड़े बच्चे है रात को जो तो विंटर होंगी है समर के चलो कितना कितना तुर के कैच कर लेंगे ने बट विंटर उन्होंने दो दो ढाई ढाई किलोमीटर तुरना पैंता स्नो स्टॉर्म के उन्होंने ये चीज़ की बहुत वो समस्या आती है। साढ़े को इतने बच्चों के खेडने वास्ते पार्क नहीं है, बच्चे गलिया के खेड रहे हैं जोड़ा कि एक अनसेफ हैगा बिल्कुल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। असी सारे जिहड़े हैगे आ एम्बर गेट्स दे रेजिडेंट्स हैगे आ। साडे जिहड़े मसले ने बड़े बेसिक मसले ने जिवें ट्रैफिक लाइट है, इत्थे आपां देख सकदे आ पिछे कि बहुत ज़्यादा लाइट जिहड़ा हैगा ट्रैफिक दा इशू है। सानू जिहड़े पार्क प्रोमिस किए गए सी सानू उह पार्क नहीं मिल रहे। सानू जिहड़े वॉकवेज कहा सी कि पक्के तुहानू रस्ते मिलणगे उह नहीं मिल रहे ते ना कोई कम्युनिटी सेंटर है। तो जदों किसी नूं अप्रोच करो तो उन्हां दा जवाब जिहड़ा बड़ा गोलमोल जिहा हुंदा है। तो टैक्सिस असी उदों तो पे कर रहे हैं। सानू कहा जाता है कि तुसी जिहड़ा डिवेलपर नूं कॉन्टैक्ट करो। जे असी डिवेलपर नूं कॉन्टैक्ट ही करना है तो सिटी अपनी वैबसाइट के उत्ते बड़ी क्लीयर अखरां च लिखे कि जिहड़ी भी डिवेलपमेंट होएगी उहदा सिटी का कोई रोल नहीं है। जे असी अपने घर कोई एक प्लग भी चेंज करना है, कुछ बेसमेंट का काम करना है, कोई बाथरूम का चेंज करना है, दैन द सिटी के इंस्पैक्टर्स आके साडे घर परमिट बकायदा इशू किया जाता है। तो हुण भी मैनूं लगता सिटी के कोल इन्ने इनफ क्वालीफाइड बंदे होने हैं या हैगे है जिहड़े कि डिवेलपर्स नूं भी देख सकते हैं कि जे उन्होंने जो प्रोमिस किए है जे वो नहीं फुलफिल कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, उहदे लई उह की प्रोटोकॉल हैगी है कि वह डिवेलपर जिहड़ा हैगा वह अगे काम करेगा जे जां फिर अपनी वैबसाइट पर जिवें मैं पहलां किया बड़ा क्लीयरली लिख के दसन कि यह जिहड़ा हैगा डिवेलपर का ही रोल है तो रेजिडेंट्स अपना घर बनाने तो पहलां उहदे बारे सोचन। तो भाई तुसीं की कहना चाहोगे इहदे बारे? बस मैं भी यही कहना चाहुंदा जी बस सर्विस का बहुत औखा अपना विंटर के बहुत ज़्यादा औखा हो जाता सज्जे खब्बे जाना। बाकी लाइब्रेरी बच्चों वास्ते लाइब्रेरी है नहीं, बहुत दूर जाना पैंदा है बच्चों थोड़ा जिहा क्योंकि पता लगे जे लाइब्रेरी जाण तां कुछ पता लगे दुनिया कित्थे वसदी हैगी आ। तो एक जो स्नो है जिहड़ा उहदा दंद ना चकदे हैगे ना कुछ होर करदे हैगे तो असीं तुरे फिरदे रहिंदे हैगे आ। ये चीज़ां चाहुंदे आ असीं आप जरूर होण जीते। हाँ जी बाई जी, हुण जिवें अपने इस एरिए दे विच एम्बर ट्रेल, एम्बर गेट, ये एरिया दमें दोनों अरोड़ा हो गए, ये एरिया नवें डिवेलप होया, इत्थे साडे कोल नीयर बाय कोई भी कम्यूनिटी सेंटर नहीं हैगा। 1980 दे विच जिवें असीं डिस्कस कीता वी 1980 दे विच एक नवां कम्यूनिटी सेंटर जिहड़ा मैपल दे विच बनाया सीगा इन्हां ने, उस तों बाद सिटी ने कोई कम्यूनिटी सेंटर ही नहीं बनाया। उस कम्यूनिटी सेंटर दे विच आपां किन्ना की कर सकदे आ? इस जिथे आपां इस टाइम खड़े हां इत्थों 15 तों 20 मिनट की दूरी ते उह कम्यूनिटी सेंटर है, उत्थे आपां ना कोई अपने बच्चों नूं लैके जा सकदे आ। हुण जिवें अपने विजिटर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने बैठने लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं हैगी जी, वो कितने जान? कम्यूनिटी सेंटर्स के बैठना होंगे उन्होंने, कम्यूनिटी सेंटर इतने है नहीं गा, वो कितने बैठते हैं? स्कूल्स के बैठते हैं या साइडवॉक के बैठते हैं? दैट्स नॉट लुक्स गुड। स्कूल बंद होंगे ने, उन्होंने को परमिट नहीं होंगे, समर की प्रॉब्लम आती है, तो बजुर्ग बेचारे वाशरूम जाने का बहुत इशू होंगे। चलो विंटर के निकल ही नहीं सकते जो कम्यूनिटी सेंटर तो बगैर, पर समर के इट्स अ रियली अ बिग इशू। एंड दैन जे लॉट है वो 35-35, 36-36 फुट कॉम्पैक्ट करते रहे है, तो जे सिटी उन्होंने अप्रूव कर रही है दैन दे शुड रिजर्व सम लैंड फॉर द कम्युनिटी रिक्रिएशनल परपसिज एज वॉल। भाई तुम की ऐड करोगे? हाँ, मैं इंटरसैक्शन बारे ऐड करना चाहूँगा। इतने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे ने, बहुत ज़्यादा ट्रबल आ लोगों, काफ़ी कल परसों एक सीरीयस एक्सीडेंट होया इतने, तो ट्रैफिक लाइट्स काफ़ी बार सर्वे भी कर चुके हैं पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है ये वाल। हाँ जी, सेफ्टी जे सेफ्टी एडा वड्डा इशू है, जिस असं अपने बच्चों के नाल जाते हैं कल कोई सट फेट लगती है जिमें आम ही एक्सीडेंट होंगे है, हमेशा एक्सीडेंट का मतलब
एक्सीडेंट ही होंदा है, सट वड्डी भी लग सकती है छोटी भी लग सकती है, तो फिर बाद दे विच पछताण नाल चंगा कि कोई बहुत वड्डा इशू नहीं है कि ट्रैफिक लाइट्स दे सी कह रहे हैं कि बहुत खर्चा होगा, बहुत इन्हां नूं एनालिसिस करन दी लोड़ है, सिटी कोल अपने स्टैट पे है उहदे उत्ते काम किया जा सकता है। होर भाई जी तुसीं की कहोगे? मैं भी जी सेम चीज़ जदों काम ते जाना हुंदा ट्रैफिक बहुत हुंदा, इत्थों लैफ्ट मारनी है तां भी टफ आ, राइट मारनी है तां भी टफ आ, बच्चों का फ्यूचर किहदे विच आ, खेडां दे विच तो खेडन अपने को जगह है नहीं, प्ले स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, जब स्कूल दे विच जो माड़ा मोटा लगा उत्थे भी टाइट आ कम, क्योंकि बच्चे बहुत होंगे आ, जगह घट आ, प्ले स्ट्रक्चर की सर्विस घट आ, बस सर्विस साढ़े अर्गों को लाइसेंस आ, घर बार जाना सौखा जी, पर पेरेंट्स लिए बहुत ज़्यादा टफ आ जिन्हों को लाइसेंस नहीं, जेडे विजिटर वीज़ा तो आते आ, जिन्हों को लाइसेंस है नहीं, किसी इशू करके उन्हों को लाइसेंस है नहीं, लै नहीं सकते, उन्होंने बहुत औखा, क्योंकि एम्बर ट्रेल अपने जमा ऑपोजिट साइड पर आ, तो वो ईजली बस सर्विस अपने भी पूरी प्रोवाइड कर सकते हैं, एज़ पर जिम्मे एम्बर ट्रेल के किनिया बसा आदियाँ मिनट मिनट बाद 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद उदा की सर्विस चाहिए आ। स्विमिंग पूल हियर And we need a slide and a park. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬਰ ਗੇਟਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਰਕ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਚ, ਕੋਈ ਸਵਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਵਸਵੇਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟੈਂਪਲਟਨ ਐਂਡ ਮੈਕ ਪਲੇਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਏਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਂਕ ਦੇ 40-4 ਸਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦੀਪਕ ਐਂਡ ਆਮ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਐਂਬਰ ਗੇਟ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰਸ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਦ ਲਾਈਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਟਸ ਐਟ ਦ ਲਾਈਕ ਟੈਂਪਲਟਨ ਐਂਡ ਮੈਕ ਫਿਲਿਪਸ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਈਟਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਰੀਲੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਰ ਆਲ ਦ ਕਮਿਊਟਰਸ ਹੇਅਰ, ਐਂਡ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮਸ ਆਰ ਸੋ ਨੈਸਟੀ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗਸ। ਇਟਸ ਟੇਕਸ ਅ 20-25 ਮਿੰਟਸ ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਲੈਫਟ ਟਰਨ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਰਿਸਕੀ ਟੂ ਟੇਕ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕੈਨ ਯੂ ਗਾਈਸ ਪੁੱਟ ਦ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਟਸ ਹੇਅਰ। And other problems here, like there is no parks for the kids to play anywhere. They just roam around in the neighborhood, just cycle around the neighborhood. There is nothing like there is a few spaces where the city can put a parks, but there is nothing available as is. And so there is a lot of other small problem. Another big issue is they are making so much big high density homes here in this small neighborhood, which is Ambergates. Like big buildings are coming up. I don't know what the city plan is for that, to how they're going to take care of the traffic, how many cars going to be coming out, and even they can't even put the one lights. I don't think so. Future is looking very nice here. So it's really a request to the city, Winnipeg City, can they address these kind of problems? And the bus service is a major issue, because we have a lot of kids here which go to school, and there are a lot of immigrants which go to the new immigrants which go to the work. They doesn't have a car, so they need a bus service. So bus service is a temporary here, and which comes early morning and late evening, so that doesn't fit the schedule of anybody. So if we request the Winnipeg City, if they can put the regular bus service here in this neighborhood, so everybody can have that, and they can go to work, they can go to universities, they can go to schools, kids can go and enjoy those services. I request again, please look into the people community and do best for us. Sat Sri Akal ji saryan nu, main Karmjeet Singh, main Amber Trail ਐਂਬਰਗੇਟ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਕਫਿਲਪ ਅਤੇ
ਟੈਂਪਲਟਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਵਸਵੇ ਟੀਵੀ।